हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आम का अचार। ये आम का अचार आपका एक हफ्ते में बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही ये आम का अचार सालों साल तक खराब भी नहीं होगा। आज हम बनाएंगे बिना गुठली का आम का अचार। तो सबसे पहले हमने 5 किलो आम ले लिए थे। जब भी आप आम को ले तो सबसे पहले आपको क्या, हरे आम और टाइट आम लेके आने हैं, और उसके बाद उनको हमने एक बड़ा सा बर्तन में डिप करके रख देना है, जिससे कि आम पे जो भी गंदगी होगी वो अच्छी तरीके से पानी में निकल जाएगा। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए डिप करके रखा हुआ था, इसको हम अच्छे से मसल के 2-3 पानी से और धो लेंगे। इनको हमने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है। अब हमने इनको एक एक करके अच्छी तरीके से स्पॉन्ज कर देना है। किसी साफ टॉवल से भी स्पॉन्ज कर सकते हो और टिश्यू से भी स्पॉन्ज कर सकते हो, जिससे कि हमें इनको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरीके से स्पॉन्ज कर लिया है, तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल चाकू से इनको काटना है। आप चाहे तो कटर से भी काट सकते हो, उससे थोड़ा सा आसानी से ये आम कट जाते हैं। हमने पहले दोनों तरफ से इस तरीके से काट देना है और उसके बाद 2-3 हिस्से इनके कर देने हैं। इस तरीके से आम, एक तो बिना गुठली का आम, एक तो एक हफ्ते में गल जाता है और ये तैयार हो जाता है। दोस्तों, अचार ख़राब होने का, कई बार अचार डालते समय या अचार हफ्ते में जब आप उसको देखते हैं तो वो अचार क्या होता है कि ख़राब हो जाता है। अचार ख़राब क्यों होते हैं उसके भी कई सारे रीज़न हैं, कि कई बार क्या होता है कि हम उसको अच्छी तरीके से धो नहीं पाते हैं, उसको अच्छी तरीके से उसको स्पॉन्ज नहीं कर पाते हैं या सुखा नहीं पाते हैं, उसके कारण भी अचार में उल्ली लग जाती है। अचार क्या होता है कि साल में एक ही बार ही बनाना होता है, इसलिए इसमें बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि अचार हमारा सालों साल तक ख़राब ना हो। और छोटे टुकड़ों में अलग से काट लिया है। वैसे तो हमने इनको पोंछ लिया था, फिर भी हम इनको थोड़ी देर तक पंखे की हवा में या धूप में रख सकते हैं। इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने इसके लिए लिया है मोटी वाली सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंजी। ने पहले कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट कर लेना है, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है, और साथ ही थोड़ा सा सौंफ को हम अलग से बाद में इसके साथ रोस्ट करके बिना पीसे ही इसके साथ ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, कलौंजी, इनको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। उसके बाद अब हमारे जो आम हमने काट के सुखा के रखे थे, इन मसालों को हम उसके साथ ऐड कर देंगे। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल, और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और नमक और थोड़ी सी देगी मिर्च। इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा दिखने में लगेगा। आम और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, और उसके बाद अब हमारे ये अचार डालने के लिए रेडी हो चुका है। इसको हम किसी कांच के बर्तन में या मर्दवान में डाल के रख लेंगे। तो मर्दवान में डालने के लिए हम सबसे पहले उसके अंदर ऑयल्स डालेंगे, उसके बाद हम मिक्स किया हुआ अचार मसाला है इसको हम उसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इसके अंदर सारे अचार और डाल दिया है, और अब हम इसको बंद करके एक हफ्ते के लिए धूप में रख देंगे। उसके बाद हमारे ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसमें और भी सरसों का तेल को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि अचार उसके अंदर अच्छी तरीके से डिप रहेगा और साथ ही सालों साल भी चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो आज की ये बिना गुठली की अचार आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।